तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक प्रोबीज। दोस्तों, मैं हूं रामकेश सिंह और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक टिफिन का, जो मैंने अपने ऑफिस के लिए मंगाया है, जिसका प्राइस पड़ा है 850 के अराउंड में। तो ये है, बहुत बड़े बॉक्स में आया हुआ है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा आया हुआ है। और मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो था कि बड़ा टिफिन होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक वाली चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, और उसमें खाने से अगर खाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हेल्थ के लिए ग्लास वाला काफ़ी बेहतर लगा, तो इसलिए मैंने इसको मंगाया हुआ है। अब अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा आया हुआ है, क्या आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि इनका जो पैकेजिंग होता है काफ़ी बेहतर होता है। तो इसका मैं लिंक भी ड्रॉप कर दूंगा, आप चेकआउट कर देना, अगर अच्छा लगे तो यू कैन बाय इट। ये देख सकते हैं बिल में तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस लिखा हुआ है, बट जो मुझे पड़ा है वो 879 पड़ा है। तो अभी देखिए, एक पैकेजिंग से बाहर आते ही एक और पैकेजिंग, बहुत ही अमेजिंग की हो रही है, बोरोसील की। जो कंपनी है हमारी वो बोरोसील है, 320 ml ग्लास लंच बॉक्स सेट। और तो मैंने दुकान पे देखा था, बट दुकान पे सही मिल नहीं रहा था, बहुत छोटे मिल रहे थे। तो मैंने सोचा, देख सकते हो ये है हमारा लंच बॉक्स, इस तरह से होता था, अभी ये इस तरह से रहेगा केक के ऊपर है। बाकी कुछ मैनुअल्स आए हैं, उनको देखते हैं, फिर उसके बाद लंच बॉक्स को ओपन करेंगे। बॉक्स जस्ट वॉक थ्रू कर लेते हैं, क्या चीज़ है ये बोरोसील के बारे में। एक्चुअली बोरोसील कंपनी जो है ग्लास बनाती है, तो ये सब आइटम है। इसको आप इंडक्शन वगैरह पे भी रख सकते हो, गर्म कर सकते हो, केक वगैरह बेक कर सकते हो, तो इसका ये प्लस पॉइंट था। ठीक है, देख लेते हैं इस लंच बॉक्स को। ठीक है, वैसे बिना कुछ भरे ही वजन है काफ़ी इसका, तकरीबन आधा किलो के आसपास तो होगा ये कम से कम। तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि कभी भी ख़राब हो जाते हैं, कभी टूट जाते हैं। अंदर भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, इसकी वजह से इसको खुलने में दिक्कत हो रही है। देखिए, ये देखिए पॉलीथीन बीच में आ गई है, जिसकी वजह से इसको खुलने में दिक्कत हो रही है। तो प्रॉपर पैकेजिंग होके आया हुआ है, ये एक इसमें आया हुआ है, ये है ग्लास से। बस ये कि जितना बड़ा वो दिख रहा था अमेजन पे, उतना बड़ा है नहीं, थोड़ा सा उससे छोटा लग रहा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। इसमें दूसरा वाला है, तीनों सेम ही है, और एक अभी पड़ा हुआ है अंदर, तो उसको भी निकाल लेते हैं। ये हमारा है, इसको आपको खोलने के लिए चारों तरफ से अनलॉक करना है। इसको अनलॉक करने के बाद एक और लॉक है अंदर, तब जाके ये खुलता है, यानी कि लीकेज वगैरह नहीं होगा। ये एक गुड पॉइंट है इसका, क्योंकि इसमें चार लॉक बाहर है और फिर उसके बाद अंदर एक प्रॉपर रबड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ सही लग रही है। तो दोस्तों, ये हमारा लंच बॉक्स कैसे लगा आपको कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट में बताइए। बाकी अच्छा लगा, बस लॉकिंग से अभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इसको ओपन करने में, बंद करने में, बट दो लॉकिंग है जिसकी वजह से आपका लीक वगैरह का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसको चेकआउट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बाय कीजिए। बस साइज़ में जितना मैंने सोचा था उतना बड़ा नहीं है, बट ठीक है लंच ले जाने के लिए। So thanks for watching, have a good day, see you in next video, bye bye, take care.